हैदराबाद में हिजड़े के हाथों कमसिन रोजेदार का हुआ कत्ल। हैदराबाद में कमसिन बच्चे का कत्ल कर दिया गया। मुलजिम इमरान, जो हिजड़ा बताया गया है, इसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक वहीद नामी 8 साल बच्चा कल अपने पड़ोस में रहने वाले हिजड़े इमरान के घर गया था, जहां इमरान ने बच्चे का कत्ल कर दिया। पुलिस जरा ने बताया कि शुबा है कि इमरान ने गला दबाकर बच्चे का कत्ल किया और नाश को मूसापेट नाले में फेंक दिया। कत्ल की वजह बच्चे के अरकान खानदान से लेन देन बताई गई है। जिस वक्त लड़के का कत्ल किया गया वो हालत रोजे में था। आइए देखते हैं इसके मजीद तफसीलात। 8 साल का बच्चा, मेरा छोटा बच्चा, ले जाके उसको ओरस पिला के ऐसा करा, मार के डब्बे में बंद करके रख के आया डब्बे में। अल्लाह, मेरा बच्चा नमाज को गया था, वहां से लाया मस्जिद में से बच्चे को मेरे, ओरस ला के पिला के उसको लेके गया। मेरा बच्चा फिर मेरे साथ ढूंढने को भी लग रहा, मिला क्या पूछ रहा। मेरा बच्चा मेरा बच्चा 4:45 को स्कूल से आया, 5 बजे नमाज को उतरा, उन्हें जब हमारे पास इतना बच्चा आए, जब बच्चा नीचे उतर रहा था उसके साथ भी उतरा उन्हें, तो हम समझे उसके घर को गया, बच्चा नमाज को गया। बच्चे को मस्जिद में से बुला के उसको ओवारस मंगाया, कहते अपन घर को चले गया, बच्चा वहाँ गया, वो ओवारस देने गया, उसको अंदर ही कर दिया। उसको वो कैमरे में बता रहा अंदर जाते हुआ है, इमरान बाहर नहीं निकला, बोले तो नहीं चले गया, उन्हें मेरे को ओवारस दे के चले गया। यही बोल रहा, हम ढूंढ रहे पूरा, तो हमारे साथ अपन भी ढूंढ रहा, बच्चे को आटे में डाल के भेज के हमारे साथ ढूंढ रहा बच्चे को। अभी मालूम कब हुआ आपको? हमको मालूम 3 बजे के बाद हुआ। 3 बजे रात तक पूरी बस्ती ढूंढ रही। आप हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? हमको उन्हें जिंदा होना बस, आपके चैनल के जरिए रहने दो, हुकूमत रहने दो, कोई भी, उन्हें जिंदा होना हमारे को बस। 8 साल का बच्चा ऐसा क्या क्या करा वो बच्चा, मासूम बच्चा, इतनी भयानक मौत देता बच्चे को, डब्बे में बंद करके मारा बच्चे को, मार के डब्बे में नाले में फेंक के आया। तेरे को क्या दुश्मनी थी, बोलना था ना हमारे को? जी, मेरा भांजा था अब्दुल वाहिद खान, भतीजा मेरा, उसको कल 5 बजे अंदर लेके चले गया घर में, इमरान लेके जाके उसको 5 बजे से अंदर ले जाके मार दिया घर में, ले जाके किन्नर है, छिक्का है, वो बस्ती में रहता हमारे, ये 4-5 घरों के बाजू में रहता, अंदर ले गया उसको। लास्ट घर में लोकेशन उसका वही था बच्चे का, हमारे लास्ट कैमरे में देखे उसको, तो वही कैमरे में दिखा हमने, जो घर में गया तो फिर निकले नहीं हमारा भतीजा बाहर। हाँ, ओ आर एस के बहाने को पिलाते हुए दवा डाल के पिला के लिख जाके जब का जब भी मार दिया अंदर, गला दबा के मार के, फिर हाथा पैरा मुंडी सब तोड़ दिया उसकी। उसमें शामिल है उसकी बहन शबाना, रेशमा, उसका भौनी जहांगीर, इम्तियाज, शहबाश, अरबास, ये पूरे लोग मिल के मारे से डम करे सोलना। आटू वाला अभी आया था उसमें सब मार के उसको पूरा, वो नहीं नहीं वो टप में ड्रम में रखे, ड्रम में लिख जा पूरा तोड़ के हाथा पूरा ड्रम में रख के, फिर थैले में लिख जाके पूरा देखे हम, उसको वीडियो भी है पूरा, नाले में फेंके लिख जाके उसको। मारने की वजह कुछ भी नहीं है भाई, बच्चे को लिख गया कुछ वम्मा सी के देखल, वो हिसाब से कुछ उतारा कर रहा, वो कर रहा बोल के मार दिया लिख जाके उन्हें। 2 बच्चों को लिख गया था, एक बच्चा भाग गया उसमें, थोड़ा भोला था हमारा भतीजा, चले गया, रोजे में था कल उन्हें। पहली बार वाले नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ भाई, फर्स्ट टाइम हुआ वो। और मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, इसका इंसाफ होना, उसको फांसी होना। क्या हुआ? फांसी होना भाई, उसको फांसी होना। और मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि इसको सजा सकते, सजा होना।